एवरीवन, दिस इज मोनिका। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अमेजोन से कुछ सेट पीसेस मींस एथनिक सेट्स आपके साथ शेयर करूंगी, प्लस ज्वेलरी भी मैंने परचेज की है। ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है गाइस, ऑल्सो मैंने मोजरी भी परचेज की है। सो ये सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो में मूव ऑन करने से पहले मेक श्योर करें कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज इस चैनल पे मैं हर वीडियोज, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज, ऑल्सो स्टाइलिंग वीडियोज अपलोड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझसे अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है touchofgirl, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सबसे पहले तो ना गाइस एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि बैकग्राउंड से ना आपको बहुत आवाज आ रही होगी, तो प्लीज उसे इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज मैं आई हुई हूँ घर पे एंड पास में एक मंदिर जहाँ पे पूजा चल रही है, उन्होंने लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं जिससे इतनी ज्यादा शोर हो रहा है, तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा उसको। फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है गाइज वो है ये लिपस्टिक। लिपस्टिक तो मैं डिफरेंट परचेज करती रहती हूँ, जो भी कलर मुझे समझ में आ जाए। तो मैंने ये अभी परचेज किया है लैक्मे फॉर एवर मैट लिक्विड लिप कलर। इसका जो शेड है वो है 14 मॉव पार्टी, जो कि मैंने अभी वेयर भी की हुई है, बट फिर भी आपको इस लाइट में इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसको नेचुरल लाइट में भी मैंने इसका स्वेच किया, वो आपको इसमें वीडियो अटैच कर दूंगी। बाकी गाइज ये ट्रांसफर प्रूफ है, एंड अगर आप कुछ नहीं खाते पीते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, मींस आई थिंक 4 आवर्स तक स्टे रहने वाली है अगर आप कुछ नहीं खाते पीते हैं। बट अगर आप कुछ खा पी लेते हैं तो आपको रीटचअप इसको करना पड़ेगा। ऑल्सो इसके जो ये आपको 5.6 ml का आपको ये पैक मिल जाएगा। कलर बहुत प्यारा है गाइज, इसके और भी शेड्स हैं मेरे पास, ये कलर काफी अच्छा लगा मुझे। वैसे तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये कलर बहुत अच्छा लगा, मोव टच में कलर है इसका, एंड थोड़ा सा न्यूडिश आपको डेली वेयर के वापस ना, अगर आपको कोई लिपस्टिक चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑल्सो मुझे इसका कलर काफ़ी पसंद आया, ये आपको मीन्स यहीं से आपको कलर विजिबल हो जाएगा कि इसका कौन सा कलर होने वाला है। बाकी ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में वर्थ बाइंग ऑप्शन है, बिकॉज इसका प्राइस आई थिंक मैंने कुछ 170 rupees में इसको परचेज किया है डिस्काउंटेड प्राइस में। अभी सेल भी लगी हुई है तो आपको भी आई थिंक डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिल सकता है ऑप्शन, एंड ये अच्छी है, मीन्स बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, बट अच्छा ऑप्शन है, डेली वेयर के अकॉर्डिंग है, ऑफिस जाते हैं डेली में आपको चाहिए होता है, तो ये अच्छा ऑप्शन। व्यू प्रोडक्ट पे गाइज ये प्रोडक्ट मैंने टैग किया हुआ है, अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे इसके काफी सारे शेड्स भी आपको वहाँ पे मिल जाए। जो सेट गाइज मैंने परचेज किया है, एक्चुअल इस वीडियो में ना डिफरेंट जो कुर्ता सेट है वो सारे अलग डिजाइन के हैं, अलग फैब्रिक के हैं। सो फर्स्ट जो कुर्ता सेट मैंने परचेज किया है ये शरारा सेट है रेड कलर में। इसका जो मटीरियल है पॉलिएस्टर मटीरियल में ही आप बोल सकते हैं, रेयॉन भी बोल सकते हैं, रेयॉन मिक्स है, बट सिंथेटिक ज्यादा है इसमें। फिर भी बता रही हूँ मटेरियल पे थोड़ा आप ध्यान दिया करिए, जैसा मुझे रिसीव होता है वैसा ही मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ और रिसीव हो रहा है मैं आपको कुछ और बता रही हूँ, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज आप मंगाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा ना कि वो कुर्ते का क्या क्वालिटी है, तो मेरा झूठ बोलने का तो कोई पर्पज होता ही नहीं है ना गाइस, कि मैं झूठ बोलूँ कि आपको इसका कॉटन मटीरियल है और आप मंगाएं और इसका पॉलिएस्टर मटीरियल निकले, तो रिटर्न पॉलिसी भी होती है आगे से। आप वही बात है ना कि मैं मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है कि मैं आपसे बोलूंगी, तो जैसा इसकी क्वालिटी सिंथेटिक टच में इसकी क्वालिटी है, सिंथेटिक क्वालिटी है, अगर आप क्रेप वगैरह मटेरियल वेयर करना पसंद करते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे ना इसमें ये वी नेक के साथ आपको मिलेगा, वी नेक दिया हुआ है, यहाँ पे लेस लगाई हुई है, यही सेम लेस ऊपर भी दी हुई है। इस लेस पे छोटे छोटे मिरर्स दिए हुए हैं जो कि ओनली शो पर्पस के लिए, मीन्स वैसे वाले मिरर हैं जो फॉइल वाले मिरर होते हैं उस टाइप के मिरर। इसमें लॉन्ग स्लीव्स आपको मिल जाएगी, लॉन्ग स्लीव बहुत ही गर्ली काइंड ऑफ लुक आ रहा था, मीन्स अगर आप कॉलेज में हैं एंड कुछ भी, मीन्स अगर आप छोटी मोटी पार्टी अटेंड करना चाहते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज सर्दियों में तो आप आराम से क्रेप मटेरियल वेयर कर सकते हैं। सो ये आपको शॉर्ट कुर्ती मिलेगी, शॉर्ट कुर्ती है, प्रिंट वगैरह जो इसमें किया हुआ है ना गाइज वो मटीरियल में ही किया हुआ है, सो प्रिंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉशेबल भी है, आप इसे वॉश कर सकते हैं। इसके साथ में मिली है शरारा, सो ये शरारा सेम ही फैब्रिक की है, सेम प्रिंट सब कुछ सेम है। ऑल्सो यहाँ आपको हाफ में इलास्टिक मिल जाएगी, हाफ में आपको बेल्ट मिल जाएगी, प्रिंट वगैरह जो इस पर दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा लगा। कहीं कहीं पे गए छोटा जो आपको थोड़ी सी शाइन दिख रही होगी गोल्डन कलर का, इसमें प्रिंट भी किया हुआ है, बट वो प्रिंट फॉइल प्रिंट है, बट इतना सारा इसमें मटेरियल में ही प्रिंट किया हुआ है तो आप वॉश करेंगे तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आने वाला। और सो यहाँ ये शरारा दिया हुआ, इतना इसमें घेर दिया हुआ है, वेयर करने के बाद ये अच्छा लग रहा था इसका लुक। ऑल्सो इसमें दी हुई है ये दुपट्टा,
सो दुपट्टा जो है वो मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, अदरवाइज अच्छा लग रहा था पूरा का पूरा सूट वेयर करने के बाद, अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप क्रेप मटेरियल वेयर करना पसंद करते हैं तो, अगर आपको कोई हल्दी सेरेमनी अटेंड करनी है एंड उसके लिए आप सोच रहे हैं कि आपको क्या पहनना चाहिए, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइटम है गाइस, प्रोडक्ट है जो कि हल्दी सेरेमनी के पर्पज से ना काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इस ये 3 पीस में रिसीव हुआ है गाइस, ये मैंने भी वेयर किया हुआ था तो उल्टा हो गया। सो यहाँ पे इसके साथ में आपको ये मिलेगी छोटा सा क्रॉप टॉप, साथ में मिला है गाइस इसके स्कर्ट। सो ये जो स्कर्ट है थोड़ी आपको धोती स्टाइल में ये स्कर्ट मिलेगी, ये धोती, ये प्लीट्स इसमें दी हुई हैं। ऑल्सो इसमें ये आपको मिल जाएगा बेल्ट मिल जाएगा यहाँ पे इलास्टिकेटेड, ऑल्सो ये बेल्ट मिला है, साइड में आपको जिप भी मिली है जिससे वेयर करने में कन्वीनियंट हो जाए। ऑल्सो इसमें दिया हुआ है गाइज ये श्रग, ये ड्रेस गाइज बहुत अच्छा लगा था मुझे। वैसे इसका मटेरियल पॉलिएस्टर है बट ड्रेस का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। हाँ क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग गाइज क्वालिटी ओके ओके टाइप है। वेयर करने में अच्छा लग रहा था, मीन्स अगर कोई टच करके नहीं देखेगा तो इतना कोई क्वालिटी का पता नहीं चलेगा, अदरवाइज ड्रेस बहुत प्यारा है। इसके साथ में ये श्रग मिला है, सो श्रग आपको प्रिंटेड एंड जॉर्जेट मटेरियल में आपको ये श्रग मिल जाएगा। सो इसमें आपको ये स्लीव, वैसे ये श्रग ना स्लीवलेस ही मिलेगा, स्लीवलेस श्रग मिलेगा इसके साथ में, प्रिंटेड है, इसका प्रिंट आपको मटेरियल में मिल जाएगा। सो ये बहुत अच्छा ड्रेस लगा है, 600 रुपीज में आई थिंक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मीन्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। इसमें मेरा साइज M है, अगर आपका पीयर शेप बॉडी है तो एक साइज इसमें लार्जर ऑर्डर करें बिकॉज स्कर्ट आपको थाइस पे टाइट हो सकती है, अदरवाइज इस ड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज मेरा पीयर शेप बॉडी है, इसलिए मैं आपको उस बॉडी के अकॉर्डिंग तो एटलीस्ट बता ही सकती हूँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। M साइज मैंने इसमें ऑर्डर किया था एंड गाइज परफेक्ट लग रहा था, बहुत प्यार लग रहा था, बट पॉलिएस्टर मटीरियल है, क्रेप मटीरियल है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो सेट है ना गाइज, ये भी बहुत ब्यूटीफुल सा सेट है। वैसे तो ना ये है कुछ आपको वाइन शेड में ये मिल जाएगा, इसका जो शेड है डार्क पर्पल कलर है इसका, जैसा आपको दिख रहा है ये डार्क पर्पल कलर का ये मिलेगा आपको, ये एग्जैक्टली यही कलर है जैसा आपको दिख रहा है। इस पर एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी फाइन की हुई है, ये एम्ब्रॉयडरी आपको इस पर मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी फाइन एम्ब्रॉयडरी इसमें की हुई है। साथ ही ये सिल्क फैब्रिक में है, सिल्क मटीरियल, इसका पॉली सिल्क भी बोल सकते हैं, सिल्क मटीरियल है, बट इसको और क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ना गाइस इसमें दी हुई है लाइनन, इसमें लाइनन मिल जाएगी जो कि अगेन पॉलिएस्टर मटेरियल की ही लाइनन इसमें दी हुई है। स्लीव्स आपको मिल जाएंगी इसमें 3/4, साथ में मिला है ये इसमें पैंट, सो हाफ में इलास्टिक है, हाफ में बेल्ट है। ऑल्सो यहाँ पे आपको इतना ये नैरो मिल जाएगा, कट्स वगैरह दिए हुए हैं, साथ में मिला है इसके दुपट्टा। दुपट्टा गाइस इसे आपको पिनअप करना पड़ेगा बिकॉज ऑर्गेन्जा मटेरियल का दुपट्टा है, तो फिसलने वाला दुपट्टा टाइप है। सो ये आपको दुपट्टा मिला है थोड़ा सा पर्पल, लाइट पर्पल शेड में, और पूरा का पूरा दुपट्टा प्रिंटेड है। गाइज ये सूट बहुत प्यारा है, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है इसकी, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, एम साइज मैंने इसमें ऑर्डर किया था बट एम साइज मुझे इसका कुर्ता ऐसा आ रहा था, इतना टाइट कि मुझे लग रहा था कि एस साइज गलती से मैंने ऑर्डर कर दिया, बट फिर मैंने ओपन करके देखा कि एस एम साइज है, तो एम साइज इसमें मुझे काफी टाइट है, मीन्स कुर्ता बहुत फिटेड है, तो एक साइज लार्जर ऑर्डर करें। नेक्स्ट मैंने परचेज किया गाइज ये ज्वेलरी एंड ये ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर की ज्वेलरी ना एक मस्ट हैव ऑप्शन भी है, क्योंकि मैंने जितने भी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखती हूँ ब्राइड्स के, वो ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहने होते हैं। सो मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर की ज्वेलरी सब पे चल जाती है, येलो कलर, रेड कलर, आप मोस्टली उसके साथ में ना ग्रीन कलर की ज्वेलरी आप वेयर कर सकते हैं। सो ये मैंने परचेज किया गाइस ग्रीन कलर की ज्वेलरी जो कि है कुंदन की। गाइस कुंदन सेट ना मैं काफी टाइम से सर्च कर रही थी, जो कि आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है कुंदन, तो मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी बट जैसा मैं चाह रही थी वैसा वाला कुंदन के ऑप्शंस मुझे नहीं मिल रहे थे। तो अभी मैं घर पे आई, उससे पहले मैं गई थी चांदनी चौक एंड वहाँ पे मैंने सर्च किया काफ़ी, तो बहुत कॉस्टली थे, मीन्स 3000 एंड 2500 इस टाइप से। बट मैंने जब अमेजोन पे सर्च किया था गाइस तो ये मुझे ऑप्शन मिला एंड हाँ उस टाइप से तो नहीं है जैसा मैं चांदनी चौक में देख रही थी, कि मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी एंड भरा हुआ इस टाइप से नहीं है, बट ये जो सेट है ना ये मुझे बहुत पसंद आया, मीन्स मेरी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गाइस ये मुझे काफ़ी वर्थ लगा। इसमें कुंदन भी लगे हुए हैं एंड ये अच्छे वाले कुंदन हैं। अच्छे वाले कुंदन की पहचान ये है गाइस कि उसमें बैक से ना पूरा मीनाकारी टाइप से आपको डिज़ाइन मिलेगा,
ये अगर आपका प्लास्टिक वाले जो मिलते हैं कुंदन, उसमें बैक से पूरा होल होता है, बट इसमें ये बैक ना पूरा मीनाकारी टाइप का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। इससे आप पहचान सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी गाइज मुझे रिसीव हुई है इसकी। ऑल्सो ये जो सेट है ना वो इस टाइप से है, मुझे बहुत पसंद आया गाइज ये सेट। इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी रिसीव हुई है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिकॉज मैंने एक और सेट इसी टाइप का, इसी लेयर टाइप का सेट मैंने ऑर्डर किया था, बट उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी, इसलिए मैंने तुरंत उसे रिटर्न किया। सो ये मुझे बहुत ही पसंद आया ये वाला सेट, लेयर वाला। साथ में गाइज इसके साथ में इयररिंग्स बहुत अच्छे मिले हैं, ये इयररिंग्स इसके साथ में मुझे रिसीव हुए हैं, ये वाले, ये दोनों इयररिंग्स इसके साथ मुझे रिसीव हुए। ऑल्सो इसके साथ में मुझे रिसीव हुआ है मांग टीका, सिमिलरली आपको मांग टीका इसके साथ में रिसीव हुआ है। बहुत अच्छा ऑप्शन है गाइज, 1100 रुपीज़ इसकी प्राइस है। एंड मैं सच में बता रही हूँ गाइज, मैं हर जगह घूमी हूँ इस टाइप के सेट के लिए, मीन्स इस टाइप के सेट के लिए नहीं, मैं और दूसरा भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे उस टाइप का कुछ चाहिए कुंदन वाला, बट मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला ज़्यादा, एंड जो दिख रहे थे वो बहुत कॉस्टली थे। तो ये काफ़ी मीन्स उस टाइप से तो बहुत अच्छा वर्थ माइंग ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये जूती, एम्ब्रॉयडर्ड आपको जूतियाँ मिल जाएंगी। पता नहीं इसका कलर, हाँ अभी दिख रहा है, ये इसका जो कलर है ना गाइस, ये मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज़ ये वाइट कलर की जो शिमरी काइंड ऑफ जूतियाँ होती हैं वो किसी भी आउटफिट के साथ आप वेयर कर सकते हैं। ऑल्सो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको याद होगा कि मैं काफ़ी सारे सूट्स में ना एक पिंक कलर की जूती वेयर करती हूँ, मीन्स जो पिंक कलर की एम्ब्रॉयडर्ड जूती, काफ़ी आप अगर आप मेरे रेगुलर देखते हैं मेरी वीडियोज़ को तो आपको पता होगा पिंक कलर की जूतीज़ है मेरे पास, जो आई थिंक मीन्स आई थिंक वही एक ऑप्शन है जो मुझे बहुत पसंद है जूतियों में, एक ब्राउन है एक पिंक है, तो वो सेम ही ब्रांड है गाइज, ये है देसी कलर्स। एंड इसकी पिंक कलर की जूती की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, एंड मुझे इसकी क्वालिटी भी बहुत पसंद आई है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें मेरा साइज जो है वो है 6। गाइज वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।